Hello everyone, welcome to Visionary Classes. Here we are with the lecture number 4 of the Earth Science 2015 paper, section B. Okay, so let's begin. So the first question here, the first question you are seeing refers to the Milankovitch cycle, that is Milankovitch cycle. So we have already discussed about this Milankovitch cycle in our general lecture. Okay, so in Milankovitch cycle specially, what we do in Milankovitch cycle, we will study about the cyclic movement correlated with the Earth's orbit motion around the sun. ठीक है, तो अर्थ का, ठीक है, अर्थ का, ठीक है, ऑर्बिटल मोशन जो होता है, ठीक है, ऑर्बिटल मोशन अराउंड द सन, ठीक है, अराउंड द सन, इस चीज को हम डिस्कस करते हैं किसमें, मिलांकोविच साइकिल में, मिलांकोविच साइकिल्स में, ठीक है, ये बात है. तो इसके तीन फॉर्म होते हैं, देयर आर थ्री ऑफ देम. द फर्स्ट वन इज द इसेंट्रिसिटी, दैट इज अर्थ एलिप्टिकल ऑर्बिट चेंजेस फ्रॉम लेस एलिप्टिकल टू ऑलमोस्ट सर्कुलर और मोर एलिप्टिकल बैक अगेन. ठीक है, इस तरीके से होता है. ठीक है, तो अगर आप देखो कि ये आपका अर्थ है, ठीक है, और ये जब ये क्या होता है कि कभी कभी ये सर्कुलर ऑर्बिटल में होता है अर्थ जो होता है यहाँ पे, ठीक है, और कभी कभी ये होता है एलिप्टिकल ऑर्बिट में. ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है. ठीक है, तो उसमें फर्क है. ठीक है, तो कभी कभी इस फॉर्म में होता है, कभी कभी इस फॉर्म में मिलता है. तो ये हमारा जो है, हमारा किस चीज को दर्शा रहा है, इसेंट्रिसिटी को बता रहा है. अगर हम बात करें नेक्स्ट वाले जो हमारी साइकिल है मिलांकोविच साइकिल, उसमें आता है एक्सियल टिल्ट. ठीक है, अब एक्सियल टिल्ट में क्या होता है भाई, अर्थ है, अर्थ की ये एक्सिस है. ठीक है, तो ये जो टिल्टिंग होती है, ये जो टिल्टिंग होती है अर्थ की, ये कुछ 22.1 डिग्री से लेके 24.5 डिग्री तक इसकी क्या होती है, मूवमेंट होती है, ऐसे ऐसे टिल्ट करती है. ठीक है, ऐसे ऐसे टिल्ट करती है. ठीक है, तो जिस तरीके से इसेंट्रिसिटी के लिए आपको 1 लाख ईयर्स की जरूरत पड़ती है कंप्लीट साइकिल के लिए, उसी तरीके से आपका अर्थ का जो टिल्टिंग है उसमें 41,000 ईयर्स लगता है. और इसके बाद आता है आपका प्रिसेशन. अब ये प्रिसेशन क्या है, प्रिसेशन क्या होता है कि वोबलिंग, ठीक है, जो एक्सिस है ना, ये कुछ लट्टू की तरह ऐसे स्पिन भी करता है. ठीक है, इट स्पिन्स, ठीक है, इट स्पिन्स लाइक दिस. ठीक है, ये एक्सिस जो है ये ऐसे घूमता है. ठीक है, तो इसके घूमने की वजह से क्या होता है कि कभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपोज हो जाता है सन की तरफ, कभी सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपोज हो जाता है सन की तरफ ज्यादा से ज्यादा टाइम. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो एक्सपोजर होता है वो बदलता है, किसका, हेमिस्फीयर के एक्सपोजर बदलते हैं, और सीजन के चेंजेस भी कुछ इस तरीके से ही बनते हैं जब वोबलिंग होता है. ठीक है, तो ये भी है. तो इसका जो साइकिल है, ठीक है, मोर और लेस होता है 23,000 ईयर्स में. ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है, क्योंकि मिलांकोविच साइकिल दे रखा है और पीरियोडिसिटी इन क्लाइमेट दे रखा है, प्रिसेशन दे रखा है, प्रिसेशन, तो प्रिसेशन हमने पढ़ लिया है, प्रिसेशन का. ठीक है, प्रिसेशन पढ़ रहा है, तो प्रिसेशन का क्या पढ़ा था, 23,000 ईयर्स. वेरी सिंपल. द नेक्स्ट क्वेश्चन दे आर आस्किंग, द बेंथिक ऑर्गेनिज्म लिव एट द डीप. ठीक है, बेंथिक ऑर्गेनिज्म लिविंग एट द डीप ओशन फ्लोर्स गेट ऑक्सीजन ड्यू टू. ठीक है, तो भाई डीप ओशन फ्लोर्स की बात करते हैं, डीप यहाँ पे, ठीक है, ये ओशन है, ठीक है, ओशन का ये डीप फ्लोर है. ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, ओ टू जो होगा नेग्लिजिबल होगा, बहुत ही कम होगा. ठीक है, क्योंकि ये कौन से इन्वायरमेंट में जा रहे हो, जहाँ पे लाइट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो ये बॉटम इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का डिजोल्यूशन तो कम ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि एटमोसफेयर के पास तो है नहीं, ये एटमोसफेयर के पास इंट्रैक्शन हो नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली कम होगा. तो यहाँ पे कम है, किसमें, बॉटम रीजन्स में कम है. तो भाई यहाँ के ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन मिलेगा कहाँ से, O2 फ्रॉम वेयर, कहाँ से मिलेगा O2. ठीक है, तो इस चीज के लिए एक फेनोमेना होता है, दैट इज पोलर सिंकिंग. ठीक है, तो ये पोलर रीजन में होता क्या है पहले पढ़ लेते हैं. इन पोलर रीजन
सरफेस वाटर इज पर्टिकुलरली कोल्ड एंड डेंस, इट सिंक्स टू जनरेट ए ट्रॉपिक वर्ड फ्लो ऑन द ओशन। ठीक है, तो ये सिंक करते हैं, ट्रॉपिक्स की तरफ मूव करते हैं, कौन? पोल से जो निकलते हैं, जो सरफेस वाटर होता है, पर्टिकुलरली कोल्ड एंड डेंस होता है, वो सिंक करता है। ठीक है, देन इन पोलर रीजन्स द कोल्ड सरफेस वाटर एब्जॉर्ब्स लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि हमको भी पता है टेम्परेचर जो है कम होने से सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी जब टेम्परेचर कम होगा, तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होने के बाद क्या होगा कि दिस ऑक्सीजन रिच वाटर सिंक्स टू द बॉटम ड्यू टू इट्स हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी की वजह से सिंक करेगा, टेकिंग ऑक्सीजन विथ इट, तो टेकिंग ऑक्सीजन ले लेगा, तो क्या होगा, द ऑक्सीजन रीच बॉटम वाटर विल देन स्पेंड नेक्स्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर सो मूविंग ओवर द सी फ्लोर थ्रू आउट द मेजर ओशनिक बेसिन्स व्हिच नीडेड फॉर द बेंथिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो सिंपल सा इसका आंसर क्या था, सिंकिंग ऑफ पोलर वाटर, क्योंकि हाईली डेंस है, सिंक करेगा, ऑक्सीजन देगा, न्यूट्रिएंट्स भी देता है, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये सारे फेनोमेना आप एलनिनो में भी सीखोगे। ठीक है, ये सारे के सारे ओशनिक सर्कुलेशंस एंड ओशंस के जो पैटर्न है, ओशन में जो जो फेनोमेना होता है, सब चीज रिलेटेड है आपके सर्कुलेशन से। आने वाले लेसन्स में हम क्या पढ़ेंगे, इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल इस कॉन्सेप्ट में अब चलिए कि सिंकिंग ऑफ पोलर वाटर जो होता है वो आपका बेंथिंग ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच वाज फॉर्मड ड्यू टू, ठीक है, तो यहाँ पे एक पिक्टोरियल व्यू दिखा देते हैं आपको। तो इस पिक्टोरियल व्यू में आप देख सकते हो कि मरियाना आइलैंड आर्क के बारे में दिखाया है मैंने। ठीक है, तो मरियाना आइलैंड आर्क में आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो पैसिफिक प्लेट है, पैसिफिक प्लेट मतलब पैसिफिक ओशन की बात कर रहा है, तो पैसिफिक प्लेट जो है ये अंदर की तरफ घुस रहा है। हाँ, हमारा ये जो मरियाना आर्क वाला लैंड है उसके नीचे वो सबडक्ट हो रहा है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सबडक्शन। ठीक है, सबडक्शन, ठीक है, सबडक्शन मतलब अंदर जा रहा है, किसके अंदर जा रहा है, हमारा मरियाना ट्रेंच जो है किसके अंदर जा रहा है, इसके अंदर जा रहा है, हमारा इसके नीचे, किसके नीचे, इस हमारे आइलैंड के नीचे जा रहा है। ठीक है, तो आइलैंड के नीचे जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे जोन ऑफ मेल्टिंग होगा, फिर तुम्हारा क्रस्टल स्प्रेडिंग होगा, ये सब वगैरह चलेगा, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, मेनली प्रोसेस क्या हो रहा है कि एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे जाके सबडक्ट हो रहा है, मतलब ये ओशन प्लेट जो यहाँ पे था, ठीक है, अंदर जाने का अर्थ क्या होता है, कन्वर्ज, ठीक है, कन्वर्ज होता है। ठीक है, और एक दूसरे से अलग होने का अर्थ क्या होता है कि डाइवर्ज होता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कन्वर्ज एंड डाइवर्ज का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो एक डाइवर्ज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम सोचें तो यहाँ पे ओशन प्लेट क्या हो रहा है, ऑब्वियसली कन्वर्ज हो रहा है, तो आंसर तो भाई वही होगा ना, कन्वर्जेंस ऑफ ओशनिक प्लेट्स। ठीक है, अगर बात करें डाइवर्जेंस ऑफ ओशनिक प्लेट्स, डाइवर्ज तो हो नहीं रहा है, तो पहला ऑप्शन तो कट गया, डाइवर्जेंस ऑफ ओशनिक एंड कंटिनेंटल प्लेट, डाइवर्जेंस तो होगा ही नहीं, कन्वर्जेंस ऑफ कंटिनेंटल प्लेट की बात करें तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि आइलैंड तो जो है वो तो एक पोजिशन पे मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिगार्ड टू ग्लोबल प्रिसिपिटेशन ड्यूरिंग ग्लेशियल एंड इंटरग्लेशियल पीरियड्स। ठीक है, तो थोड़ा ग्लेशियल और इंटरग्लेशियल पीरियड्स के बारे में जान लेते हैं, तो फिर इसमें आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ग्लेशियल पीरियड्स आर कोल्डर, डस्टियर एंड जनरली ड्रायर देन द इंटरग्लेशियल पीरियड, ये तो कंफर्म है। ठीक है, अगर ड्रायर की बात कर रहा है तो ऑब्वियसली ग्लेशियल पीरियड क्या होगा, प्रिसिपिटेशन लेस होगा। ठीक है, ड्रायर होगा ज्यादा तो प्रिसिपिटेशन लेस होगा। ठीक है, फिर अगर बात करें कि दीज ग्लेशियल एंड इंटरग्लेशियल साइकिल्स आर अपेरेंट इन मेनी मराइन एंड टेरेस्ट्रियल पैलियोक्लाइमेटिक रिकॉर्ड्स फ्रॉम दी अराउंड दी वर्ल्ड। ठीक है, ये जो ये इंपॉर्टेंट है थोड़े हमारे किसके लिए, टेरेस्ट्रियल पैलियोक्लाइमेट रिकॉर्ड्स के लिए, क्योंकि ग्लेशियल जो होता है, ग्लेशियल से जो डिपॉजिट्स बनते हैं, ठीक है, उनको हम डेटिंग के लिए भी यूज करते हैं कि हमको पता चलता है कि कैसे पहले क्लाइमेट था और अब कैसे है। ठीक है, तो उनके सेडिमेंट्स भी इसमें यूज होते हैं। ठीक है, तो ग्लेशियल एंड इंटरग्लेशियल साइकिल्स
आर अपेरेंट इन मेनी मराइन एंड टेरेस्ट्रियल पैलियोक्लाइमेटिक रिकॉर्ड फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, ये सेंटेंस लिख दिया है। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पे कि वी कॉल द टाइम्स ऑफ द लार्ज आइस शीट्स। तो आइस शीट्स जब ज्यादा थे तब उन पीरियड्स को क्या बोला जाता था, ग्लेशियल पीरियड्स और आइस एजेस। एंड द टाइम्स विदाउट द लार्ज आइस शीट्स क्या होगा, इंटरग्लेशियल पीरियड्स। रिसेंट ग्लेशियल पीरियड ऑकर्ड बिटवीन कितना, 1,20,000 साल से लेके 11,500 साल के बीच में, ईयर एगो। सिंस देन द अर्थ हैज बीन इन ए इंटरग्लेशियल पीरियड कॉल्ड एज होलोसीन। ठीक है, तो होलोसीन पीरियड कैसा है भाई, इंटरग्लेशियल पीरियड है, कंफर्म है। ठीक है, तो चलते हैं हम ऑप्शन की तरफ। तो उसने बोला क्या कि ग्लोबल प्रिसिपिटेशन की बात की, तो बात करते हैं इन ग्लेशियल पीरियड देयर वाज मोर प्रिसिपिटेशन। नहीं होगा रे, नहीं होगा। आंसर कैसे होगा, ग्लेशियल पीरियड में बोल रहा है वाज मोर प्रिसिपिटेशन, बारिश कहाँ से होगा, ग्लेशियल पीरियड में तो ग्लेशियन ज्यादा मौजूद था, तो वेपर तो होगा ही नहीं, तो बारिश कहाँ से होगा। ठीक है, तो ग्लेशियन पीरियड में प्रिसिपिटेशन मोर नहीं हो सकता। ठीक है, इन ग्लेशियल पीरियड देर वॉज लेस प्रिसिपिटेशन, एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि ग्लेशियल पीरियड में हमारा क्या है कि प्रिसिपिटेशन कम है। ठीक है, प्रिसिपिटेशन रिमेन द सेम इन द बोथ द पीरियड्स, ये भी ऑप्शन गलत है भाई। जब प्रिसिपिटेशन कम ही हो रहा है तो फिर ये तो थर्ड ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ठीक है, प्रिसिपिटेशन इंक्रीज इन द पोलर एरियाज ड्यूरिंग द ग्लेशियल पीरियड, जब पूरा वर्ल्ड में बर्फ जमा हुआ है तो पोलर एरियाज में ही क्यों प्रिसिपिटेशन इंक्रीज करेगा, ऐसे ही ठंड में पोलर नहीं बनेगा, वहां पे प्रिसिपिटेशन कम होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो ऑप्शन 2 वाज डेफिनेटली राइट। ओके, दिस क्वेश्चन आस्क द रेट ऑफ सेडिमेंट एक्युमुलेशन मिनिमम एट। ठीक है, तो इन सबको पहले पढ़ने से पहले थोड़ा आप जान लो कि क्या होता है पहले। ठीक है, कि ये जो चीजें हैं ये हैं क्या। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पे आपका ये ओशन है, ठीक है, और ये कंटिनेंट है। ठीक है, ठीक है, मैं ये कंटिनेंटल सेल्फ को CSH लिखता हूँ, कंटिनेंटल स्लोप को CL लिखता हूँ, कंटिनेंटल राइज को CR लिखता हूँ, डीप ओशन फ्लोर को DF लिखता हूँ। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें कंटिनेंटल सेल्फ की, तो कंटिनेंटल सेल्फ इज प्रेजेंट हियर, सेल्फ। ठीक है, सेल्फ मतलब ऊपरी हिस्सा जहां पे ओशन एंड कंटिनेंट मीट कर रहे हैं, वो वाला पोर्शन। ठीक है, देन कमिंग द कंटिनेंटल व्हाट स्लोप रीजन, दैट इज ऑलमोस्ट अराउंड 4 डिग्री। ठीक है, 4 डिग्री में झुका है, एवरेज इसका 4 डिग्री है। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे 4 डिग्री एवरेज है। ठीक है, तो 4 डिग्री पे झुका हुआ है, 4 डिग्री एंगल पे ये झुका रहता है। ठीक है, तो यहां पे बात करते हैं, तो कंटिनेंटल स्लोप पे क्या होगा, कंटिनेंटल स्लोप पे हमारा ये रीजन मौजूद है। फिर कंटिनेंटल राइज, जहां से कंटिनेंट खड़ा हुआ है, तो ये पोर्शन है कंटिनेंटल राइज, दिस इज कंटिनेंटल स्लोप, दिस इज कंटिनेंटल राइज। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें डीप ओशन फ्लोर की, इसको हम एबिशियल प्लेन भी बोलते हैं, इसमें एबिशियल प्लेन भी आ जाता है। ठीक है, एबिशियल प्लेन। ठीक है, तो ये जगह जो होता है इट इज डीप ओशन फ्लोर। ठीक है, तो डीप ओशन फ्लोर में ही हमारा जो क्या होगा, रेट ऑफ एक्युमुलेशन मिनिमम होगा। अब ऐसा क्यों होगा, थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चले चलते हैं। तो डीप सी सेडिमेंट्स टिपिकली हैव ए सेडिमेंटेशन रेट लेस देन 30 मीटर पर 106 ईयर्स, रेट इज एज लो एज 0.1 मीटर पर 106 ईयर्स हैव बीन रिपोर्टेड। ठीक है, मतलब इतना कम मीटर का सेडिमेंट भी डिपॉजिट होता है वहां पे। ठीक है, द स्लो सेडिमेंटेशन रेट एंड अनयूजुअल सेडिमेंट कंपोजिशन रिफ्लेक्ट द लो फ्लक्स ऑफ एल्यूमिनो सिलिकेट इरोडेड फ्रॉम द कंटिनेंट। ठीक है, द टेरिजिनियस मटेरियल दैट डज डिपोजिट इज ऑफन विंड ब्लोन डस्ट अदर सॉलिड्स प्रोड्यूस थ्रू द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। देखो यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि क्या क्या चीजें वहां पे मौजूद हैं। ठीक है, हाइड्रोथर्मल वेंट्स के लीचिंग के वजह से बेसाल्ट आ जाता है। ठीक है, अर्थ का बॉम्बार्डमेंट बाई मेटोराइट की वजह से भी यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस मिलते हैं डीप सी सेडिमेंट्स पे। ठीक है, लेकिन बिकॉज ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स के वजह से क्या होता है कि देर इज ए लिटिल टाइम, ठीक है, लिटिल टाइम टू एकुमुलेट ए थीक सेडिमेंट पाइल बिकॉज द ओशन क्रस्ट इज यंगर। ठीक है, अब इसका क्या अर्थ है कि कोई जो ओशन का कोस्ट होता है, ठीक है, वो थोड़ा डायनामिक है, दिस वन इज लिटिल बिट डायनामिक। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा यंगर वन है और ये थोड़ा डायनामिक है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक्स थोड़ा ज्यादा प्रोमिनेंट है। प्लेट टेक्टोनिक्स मतलब प्लेट का मूवमेंट, ठीक है, ओशन फ्लोर में प्लेट का मूवमेंट थोड़ा
ज्यादा प्रोमिनेंट है। तो ज्यादा प्रोमिनेंट होने की वजह से क्या होता है कि ये फ्लोर जो होता है ये हमेशा इसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होती रहती है। तो एक्युमुलेशन होगा कैसे, अगर सेडिमेंट यहाँ पे मौजूद होगा ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो पोर्शन है इसमें रेट ऑफ सेडिमेंट ऑफ एक्युमुलेशन इज वेरी वेरी लो, ठीक है जी, मिनिमम होता है। समझ में आया? तो इसलिए इसका आंसर डीप ओशन फ्लोर था। देन कमिंग टू दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो पढ़ना ही है आपको, ठीक है। ये आईएसएम का क्वेश्चन है। आईएसएम शब्द से घबराना नहीं बच्चों, दिस इज इंडियन समर मानसून, दिस इज इंडियन समर मानसून, ठीक है। इंडियन समर मानसून के जब साइकिल्स के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है, इंडियन समर मानसून में कैसे विंड आता है, इंडिया में कैसे चढ़ता है और इंडिया में कैसे मूव करता है, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम कवर अप करेंगे, ठीक है। तो इंडियन समर मानसून में जब ये साइकिल्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें एक टर्म आता है, दैट इज ट्रॉपिकली स्टर्ली जेट स्ट्रीम, ठीक है। ट्रॉपिकली स्टर्ली जेट स्ट्रीम की बात आती है। ये ट्रॉपिकली स्टर्ली जेट स्ट्रीम होता क्या पहले ये समझ लो, ठीक है। द ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट इज द मेट्रोलॉजिकल टर्म रेफरिंग टू एन अपर लेवल ईस्टर्ली विंड दैट स्टार्ट इन द लेट जून एंड कंटिन्यूज अंटिल सेप्टेम्बर, ठीक है। दिस स्ट्रॉन्ग फ्लो ऑफ एयर दैट डेवलप्स इन द अपर एटमोसफियर ड्यूरिंग द एशियन मॉनसून इज सेंटर्ड ऑन 15 डिग्री नॉर्थ, 50 to 80 डिग्री ईस्ट एंड एक्सटेंड्स टू साउथ ईस्ट ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, ठीक है। तो बात करते हैं, ये हमारा इंडिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है, तो कहीं यहाँ पे तमिलनाडु या इधर इसी किसी कोस्ट पे मिलेगा आपको, ठीक है, 15 डिग्री या इससे नीचे थोड़ा मिलेगा, ठीक है, 15 डिग्री नॉर्थ के पास पास, ठीक है, और 50 डिग्री 80 तो इधर ही मिलता है, तो यहाँ पे कहीं उठता है, ठीक है। ये अफ्रीका से लेके एशिया का कंटिनेंट के बीच में इसका फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये कौन सा विंड है ये भी याद रखो, अपर लेवल है, लोअर लेवल नहीं है, मतलब ये सरफेस ऑफ अर्थ है, ये तुम्हारा सरफेस है, तो सरफेस से थोड़ा ऊपर है वो, ठीक है, अपर लेवल, ठीक है। अब इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि ये अपर लेवल लोअर लेवल क्या होता है, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर प्रेशर लेवल पे होता है, ठीक है। हम दो तरीके के प्रेशर लेवल की स्टडी करते हैं, एक होता है आपका क्या, कि एक होता है 850 हेक्टा पास्कल, कहीं पे देखिए 850 हेक्टा पास्कल का अर्थ होता है कि प्रेशर ज्यादा है, 850 हेक्टा पास्कल मतलब सरफेस के पास, 200 हेक्टा पास्कल मतलब थोड़ा सरफेस से ऊपर, और 100 हेक्टा पास्कल मतलब उससे भी ऊपर, ठीक है। तो प्रेशर जितना कमेगा उतना उस हिसाब से आपका हाइट का डिनोशन दिया जाता है, कहाँ पे, मेट्रोलॉजिकल टर्म्स में, ठीक है। तो दिस इज वेरी इजी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा कुछ नहीं जानना था, बस आपको इतना ही जानना था कि किस मंथ में हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये जून से लेके सेप्टेम्बर में मतलब समर मंथ्स, विंटर तो होगा ही नहीं आंसर, विंटर नहीं होगा, समर मंथ्स होगा। और दूसरा चीज है नॉर्दर्न इंडियन रीजन, ओवर द नॉर्दर्न इंडियन रीजन, नॉर्दर्न इंडिया में नहीं होता है ये, 15 डिग्री बोल दिया है ना, 15 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, तो 15 डिग्री नॉर्थ तो भाई सदर्न इंडिया के पास ही है, ठीक है, तो सदर्न इंडियन रीजन होगा। वेरी क्लियर, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे आपको लैटिट्यूड और इसके बारे में जानना था। ओके, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑल्सो वेरी वेरी इजी, बिकॉज एलनिनो इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेनोमेना एज वी आर रीडिंग इट ऑल दी वेयर इन दी पेपर्स एज वेल एज इन डिफरेंट काइंड ऑफ रिसर्च वर्क, इन डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूज यू आर रीडिंग इट। ओके, एलनिनो हम पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन एलनिनो सदर्न ऑसिलेशन की हम जब बात करें ये होता क्या है पहले देख लीजिए। एनसो इज ए साइकिल ऑफ वार्म एंड कोल्ड सी सर्फेस टेम्परेचर ऑफ ए ट्रॉपिकल सेंटर एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। एलनिनो इज अकम्पेन्ड बाई ए हाई प्रेशर इन द वेस्टर्न पैसिफिक एंड लो एयर प्रेशर इन द ईस्टर्न पैसिफिक, ठीक है। एक तो बात है कि सी सर्फेस की बात आ रही है, ठीक है, एक तो बात आ रही है कि सी सर्फेस टेम्परेचर में कुछ राइज एंड फॉल होता है, ठीक है, कहाँ पे, ट्रॉपिकल सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में, ठीक है। अगर पूरा फेनोमेना की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से होता है, मतलब कि वार्म वाटर यहाँ पे एकुमुलेट हो जाता है, कहाँ पे, ईस्टर्न पैसिफिक में, ईस्टर्न पैसिफिक मतलब हमारा साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका की बात करते हैं, ठीक है, साउथ अमेरिका के पास वार्म वाटर, और सेंट्रल पैसिफिक, सेंट्रल पैसिफिक मतलब यहाँ पे है और ईस्टर्न पैसिफिक मतलब यहाँ पे है, तो यहाँ पे एकुमुलेट हो जाता है क्या, वार्म वाटर, ठीक है। तो ये वाटर तो इंक्लूड हुआ ही, तो ओशन तो इंक्लूड हो गया, ठीक है, ओशन इंक्लूड हो गया, और साथ ही साथ क्या हो रहा है कि एयर प्रेशर भी हाई हो जाता है, कहाँ पे, वेस्टर्न पैसिफिक में एयर प्रेशर हाई हो जाता है, तो वेस्टर्न पैसिफिक मतलब ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के पास हमारा क्या
क्या हो जाता है, एयर प्रेशर हाई हो जाता है। तो दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है, कौन, ओशन और एटमोस्फेयर के इंटरेक्शन से ही बन रहा है। ओशन एटमोस्फेयर, ठीक है, इंटरेक्शन से बन रहा है। तो ओशन और एटमोस्फेयर के इंटरेक्शन से बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि दिस विल बी ओशन एटमोस्फेरिक प्रोसेस। ठीक है, सिर्फ ओशन और एटमोस्फेयर के इंटरेक्शन से ही बन रहा है, इसलिए ओशन एटमोस्फेरिक प्रोसेस होगा। ठीक है, क्लियर, ठीक, समझ में आ गया, वेरी गुड। ओके ओके ओके, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी लिटिल बिट टफ फॉर द गाइज हु डोंट नो अबाउट द मिनरलॉजी, कोर मिनरलॉजी एंड क्रिस्टलोग्राफी। ओके, सो फॉर ए मिनरल एम द पिक फॉर 110 प्लेन अपीयर्स टू 2 थीटा इक्वल टू एक्स इन एक्सआरडी पैटर्न। व्हेन कॉपर टारगेट इज यूज्ड, इफ आयरन टारगेट इज यूज्ड, द सेम पिक अपीयर्स टू बी 2 थीटा इक्वल टू वाई। ठीक है, तो अब इसको बनाना कैसे है। ठीक है, तो एक्सआरडी के पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लगता है, दैट इज ब्रैक्स लॉ। ब्रैक्स लॉ बोल लो या ब्रैक्स इक्वेशन बोल लो, इसका इसमें ये बताता क्या है कि एन लामडा इक्वल टू 2D sin थीटा। अभी 2D sin थीटा क्या होता है, अगर देखो यार, ये जो मिनरल्स होते हैं ना, किसी भी रॉक में अगर कोई मिनरल्स होता है, उनके एटम्स के बीच में स्पेसिंग होता है। ठीक है, तो ये जो इंटर एटॉमिक स्पेस होता है ना, इसको हम डी बोलते हैं, डी स्पेसिंग, इसको हम डी स्पेसिंग बोलते हैं। ठीक है, और एक्सआरडी एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि ये डी स्पेसिंग को मेजर करते हुए, ठीक है, क्या करता है, मिनरल का आइडेंटिफिकेशन करता है। ठीक है, मिनरल की आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, कौन, एक्सआरडी। ठीक है, तो ये डी स्पेसिंग को मेजर करते हुए ये मेजर करता है। ठीक है, तो इस अगर इस इक्वेशन के हिसाब से हम अगर सोचें, क्योंकि थीटा जो होगा ऑब्वियसली डी स्पेसिंग के पास जब जाएगा वो इतना छोटा होगा कि उसको हम क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्विवेलेंट टू थीटा। वी कैन राइट दिस, ओके, इफ साइन थीटा इज इक्विवेलेंट टू थीटा वी कैन राइट दिस, वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लामडा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, थीटा है। ठीक है, लामडा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, थीटा है। तो यहाँ पे दे क्या रखा है कि 2 थीटा इक्वल टू x। ठीक है, अगर 2 थीटा इक्वल टू x है किसके लिए, आयरन के लिए, कॉपर के लिए, एंड 2 थीटा इक्वल टू y है किसके लिए, हमारा आयरन के लिए। ठीक है, तो लामड़ा आयरन जो अगर बोल रहा है कि ग्रेटर देन लामड़ा कॉपर है, ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि हमारा थीटा आयरन जो होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, हमारा थीटा कॉपर। ठीक है, तो 2 थीटा आयरन क्या होगा, ग्रेटर देन 2 थीटा कॉपर। ठीक है, तो 2 थीटा आयरन क्या है, 2 थीटा आयरन क्या है तुम्हारा, वाई है, वाई इज ग्रेटर देन क्या होगा, एक्स होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे अगर हम जाएं तो एक्स इज लेस देन वाई। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको ब्रैक्स लॉ के बारे में जानना था जो कि एक मिनरोलॉजी का जनरल प्रॉपर्टी है। ठीक है, मिनरोलॉजी में इस फॉर्मूले को यूज किया जाता है, किसमें, जब एक्सआरडी मेजरमेंट्स होते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया हो। सो फाइनली वी हैव फिनिश्ड सम क्वेश्चंस फ्रॉम द सेक्शन बी। नाउ आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कॉन्टेक्ट अस फॉर द लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, बट जस्ट सी दिस वीडियोज बिफोर गोइंग टू एग्जाम्स, बिकॉज दिस वीडियोज विल एक्सप्लेन एंड बूस्ट योर कॉन्सेप्ट्स। ओके, हैव ए नाइस डे।